अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड और मेटल्स के रिलेटेड जो डाटा है वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे। क्या आपने अभी गोल्ड को बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है? तो एक रॉन्ग एंट्री से अभी आप बच सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप एक छोटे से लॉस को एक्सेप्ट करके बाहर निकल सकते हैं, अगर ये आप एक वीडियो देख सकते हैं तो। अगर आप एक राइट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं तो फिर वो आपको यकीनन फायदा देगी, लेकिन वो भी उस सिचुएशंस में जब आपको वो मैनेज करने का पता होगा। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले बताया था कि हमारा जो मेन टारगेट होगा बाइंग जोन का वो $1,917 से $1,925 के बिटवीन होगा, ठीक है। हमारा एवरेज, हमारा डीसीए इसी जोन में कह लो के बनेगा। तो मेरे ख्याल से अभी आप देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये आप कैंडल देख सकते हैं। मैं 1 सेकंड दिखाता हूँ, थोड़ा सा और इसको कर लूँ। आप देखें, उसने लेवल के नीचे जो है ना वो ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी नीचे की तरफ दी हुई है। मैं इसको रिमूव कर दूं, ये देखें। और जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है अभी, वो भी हमारे पास बैरिश बन रही है। हम इसका स्ट्रक्चर भी समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है गोल्ड में अभी वो कौन सा है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वेबसाइट बता देता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिस तरह फॉरेक्स फैक्ट्री है, क्रिप्टोक्राफ्ट है, एनर्जी एक्स, तो ठीक है ना, मेटल्स माइन भी सेम एज इट यही है। जितनी भी कंट्रीज जिनके पास ज़्यादा मेटल्स होती हैं, जिस तरह चाइना, यूएसए, ठीक है, इटली है, जिनके पास ज़्यादा गोल्ड मौजूद होता है, आपको पता है उनकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो एसेसरीज वगैरह बनती हैं, मोबाइल्स बनते हैं, मशीनरी बनती हैं, वो क्वालिटी पॉसिबल तभी है जब उनके पास हैवी मेटल्स होंगी। उनमें स्मूथनेस ज़्यादा होती है ना, परफॉर्मेंस कह लें कि अच्छी होती है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये देखें ना, अब कॉपर भी अच्छा काम करता है, लेकिन अगर उसको गोल्ड के मुकाबले उसका कंपटीशन करवाया जाए तो फिर इट्स मीन के गोल्ड ज़्यादा वर्किंग करेगा। तो जितनी भी हैवी मेटल्स होती हैं ना, अच्छी मेटल्स, क्वालिटी वाली मेटल्स, उनमें अच्छी कह लें कि वो जो एसेसरीज होती हैं या मोबाइल्स वगैरह होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, उनमें इस्तेमाल हो रहा होता है। सिमिलरली आज 30 डेट है, तो मेरे ख्याल से यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज एक न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट करेगी गोल्ड को। और थर्ड तो फिर आपको पता है जिसमें रेड होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है गोल्ड को, यूएस से भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो न्यूज़ को भी साथ साथ टच किया करें, क्योंकि ये इसका फ़ायदा ये है कि आपको देखो इधर टाइम भी मिल जाता है और डेट भी मिल जाती है, इन दोनों के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करनी होती है। चलें थोड़ा सा गोल्ड को देख लेते हैं, आपने कैसे ट्रेड को सेटअप करना है। तो देखो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तो गोल्ड कंटिन्यू कर रहा है, दो चीज़ें हैं, ये वाला एरिया ब्रेक हो चुका है, तो अब पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा है वो इस जोन में मिलेगा हमें, ठीक है, इस जोन में कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर नहीं मिलता फॉर एग्जाम्पल तो फिर क्या होगा, कंसोलिडेट करने के बाद इसी भी जोन को ब्रेक कर सकता है, लेकिन आपने जैसे ही इस जोन को ये रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ उछलता है, ठीक है, तो जैसे ही उछले इस जोन को फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट करके, तो आपका काम है 40%, 50%, 60% तक प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। इतना लंबा या कह लें कि लॉन्ग वेट ना करें कि आपकी जो पॉजिटिव ट्रेड है वो भी घाटे में चली जाए। अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, जहां पे आपको पता लगे कि आपके मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ट्रेड पूरा उतर रही है तो ठीक है, ओके करें। अब दूसरी तरफ मैं छोटा टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या हो रहा है। सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स रहती है, बड़ा टाइम फ्रेम कुछ कह रहा होता है, छोटा टाइम फ्रेम कुछ कह रहा होता है, तो सेल और बाय की ट्रेड में उनको कन्फ्यूजन रहती है। याद रहे कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ठीक है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी, अभी देखें, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस बड़े टाइम फ्रेम में भी बात की है, तो दूसरी तरफ इधर देखें अगर आप, तो इस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, और इधर एक डॉजी कैंडल्स बनाई हुई है,
यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो नीचे जाने की है। तो आपका टारगेट $1917 से $1925 के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है, अगर खरीदना भी है। कोई जज्बाती नहीं होना, कोई आपने ऐसा इशू नहीं बनाना कि मुझे अभी जल्दी से बाय कर लेना चाहिए। आप अपने मखसूस पैटर्न का वेट करें। यही मैंने रिसेंटली वीडियो में बताया था कि जो वेल्स इंस्टीट्यूट बैंक होते हैं ना, वो अपने पैटर्न के ऊपर स्ट्रिक्टली काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो इस जोन में बैठे हुए हैं, जिस तरह वो चोर नहीं बैठे होते, एक जिस तरह एक स्नाइपर भी बैठा होता है एक मखसूस हिडन जगह में गन पॉइंट करके, सिमिलरली वो भी इसी तरह बैठे होते हैं इसी जोन में। आप भी इसी जोन में बैठें, सब्र रखें, पेशेंस रखें, और आपके जोन में मार्केट आएगी तो उधर से बाय कर लें, और इधर सेल की ट्रेड बनती है, लेकिन आप ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ मार्केट में उतरें। ओके, तो ये वाला एरिया नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, तो अब पॉसिबिलिटी जो है वो $1917 से $1925 के बिटवीन है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।